भवानी के जलघर में गर्मी से राहत के लिए नहाने आए व्यक्ति की डूबने से हुई मौत। चार व्यक्तियों ने बचाने की कोशिश लेकिन असफल होने के बाद नाकाम हुआ। कोहाड़ गांव का युवा बताया जा रहा है। मेहनत मजदूरी करने वाला लड़का जलघर में गर्मी के कारण नहाने आया था और डूबने से उसकी मौत होने की पुष्टि हुई है। संदीप नाम है जी, अरे नहाना आए थे, पांच बंदे थे। कौन कौन थे? राहुल था, जयपाल था, दो जयपाल थे, एक संदीप था, एक वो था जो विक्रम था। तो क्या काम करते आप लोग? हम सारे मजदूरी कराने। तो आज यहाँ किस लिए? आज नहाने के लिए आए थे हम, कपड़े धोने के नहाने के लिए आए थे। किस टाइम आए थे? हम सुबह आए थे 10:30 बजे। तो फिर ये हादसा कैसे हुआ? ये हादसा ही, उसका पैर पूरा पिट गया, मैं अंदर नहा रहा था, दो बंदे आड़े कपड़े धो रहे थे, वो भीतर गया ना, जब मैं भाग्या अंदर से, फिर मैंने वो खींचा है, लेकिन मेरे भी हाथ पैर फूल गए, फिर अकेला पड़ गया मैं भी, फिर मेरा गई दम तोड़ा डूबिया वो मेरा भी। कितनी उम्र थी? उम्र का तो जी मेरे तो 40 है, वो मेरे दाई दुआला का होगा, थोड़ा छोटा होगा। कोशिश पूरी करी जी मैंने, ये नाखून भी लग गए उसी के। तो आज मजदूरी पे जाते थे, आज यहाँ कैसे है? मजदूरी नहीं, आज मजदूरी नहीं मिली हमको, तो चलो कपड़े कपड़े धो लेंगे नहा लेंगे। तो कितनी देर से क्या घटना हुई थी यहाँ जलघर में? कितनी देर में रेड बोर्ड मिली, किसकी थी? भाई हमें सूचना मिली थी, 112 नंबर हमारी गाड़ी भी सूचना मिली थी, वो यहाँ मौके पहुँची थी, जिसने बताया कि एक व्यक्ति विक्रम नाम का जो यहाँ पे नहा रहा था, कवाड़ गांव का रहने वाला है, और जिसकी पैर फिसलने के कारण पानी में डूब गया, जिसकी हमने अब हमारे गोताखोर से कोशिश करा के उसकी डेड बॉडी को ढूंढवाया, निकलवाया और कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ क्या काम कर रहा था? कोई शराब के नशे में था कैसे? भाई पता नहीं, कह रहे नहा रहा था वो, तो पता नहीं, वो तो ये बताएंगे क्या, लेकिन वो नहाते समय उसकी पैर फिसलने के कारण डूबने से मौत हो गई। तो कितने घंटे में ये निकला? अब डेड बॉडी मिली है, वो तो लगभग 11:30-11 बजे का डूबे हुआ था, लेकिन हमारे को सूचना 2 बजे मिली थी, हमने डेड बॉडी को हमारे गोताखोरों से निकलवा लिया है।